राजनीति में आने के पहले और बीजेपी में शामिल होकर सांसद बनने के बाद अब तक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। कई मुद्दों पर कंगना ऐसे बयान दे चुकी हैं जिनको लेकर न सिर्फ विवाद खड़े हुए बल्कि वो ट्रोल भी होती रही। इस बार कंगना ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर न सिर्फ विपक्ष उन पर हमलावर है बल्कि खुद बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर उन्हें कड़ी नसीहत दे दी है। दरअसल कंगना ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश से कर दी। इसके अलावा भी कंगना ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो उनकी ट्रोलिंग का कारण बनी और विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। कंगना ने इंटरव्यू में कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थीं, वहाँ रेप हो रहे थे और जब वो किसानों के हितकारी बिल वापस हुए तो पूरा देश चौंक गया। वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं। उनकी बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई। कंगना का ये बयान आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना का वीडियो पोस्ट कर बीजेपी से कड़े सवाल पूछ लिए, साथ ही कंगना से कान पकड़कर माफी की मांग कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि सरकार और बीजेपी चुप्पी तोड़े वरना क्या यह उनका भी आधिकारिक स्टैंड माना जाए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे प्रदर्शन कर रहे थे वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को ये साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनौत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनौत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। मामला किसानों से जुड़ा था और हरियाणा में चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। बीजेपी ने तुरंत इस बयान को खुद से अलग कर असहमति जताते हुए कंगना को चेतावनी दे दी। बीजेपी केंद्रीय मीडिया विभाग ने सोमवार 26 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिपेक्ष में दिया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत की न तो अनुमति है न ही बयान देने के लिए वो अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। कंगना ने पंजाब की परिस्थितियों का जिक्र किया है, लेकिन उनका ये बयान चुनावी राज्य हरियाणा में भी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा सकता है। हरियाणा में बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती है। साथ ही किसानों और पहलवानों के आंदोलन को लेकर नाराजगी, सरकारी पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के लाभ दिए जाने को लेकर नाराजगी से पार पाने की चुनौती भी पार्टी के सामने है। ऐसे में कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए हरियाणा में फजीहत की वजह बन गया। इसी वजह से पार्टी ने बवाल बढ़ता देख कंगना को नसीहत दे दी। हालांकि कंगना के इस बयान को कांग्रेस हरियाणा चुनाव में भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। ऐसे में यह बयान बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।